उधर के एसडीएम कार्यालय में पानी की व्यवस्थाओं को लेकर किसान नेता ललित मिश्रा ने खड़े किए सवाल। पानी की व्यवस्थाओं को बनाने हेतु स्थानीय से जिला प्रशासन का ध्यान कराया आकर्षित। पूरा मामला तेउथर तहसील के मुख्यालय एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालय का है। विभाग की बात है, जहां एसडीएम महोदय बैठते हैं उस कार्यालय में यहाँ जो आने वाले किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं एक दो बार इसके लिए आवेदन भी दिया था पूर्व में, मौखिक भी बात किया। एक पुरानी टंकी यहाँ रखी गई है, वो बरसों पुरानी है, वो मूर्छा से एकदम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो अधिकारी शासन की योजनाओं को पानी के लिए तमाम प्रकार की जो है बातें करते हैं गांव-गांव पहुंचाने की, लेकिन जब देखा जाए हकीकत में तो स्वयं यहाँ जो है गरीब मजदूर किसान जो भी आते हैं तहसील प्रांगण में, यहाँ पानी पीने के लिए व्यवस्था है। स्वयं अधिकारी तो अपना डिब्बा बांध करके बगल में लाते हैं, एसी में रहते हैं, परंतु जो किसान मजदूर यहाँ आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और ये निश्चित तौर पर हमारे तेउथर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करूँगा कि स्वयं आकर के यहाँ जाँच करें, अगर यहाँ पानी की व्यवस्था हो तो जो भी मेरे द्वारा ये बात बोली जा रही है तो मेरे ऊपर कार्यवाही करें, अन्यथा किसानों की और गरीबों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए, जिससे कि यहाँ आने वाले किसान मजदूर परेशान न हो पानी के लिए।